जॉनथन की तरफ से भी ग्रेनेड आएगा, सब एक परफेक्ट ग्रेनेड आता है जॉनथन की तरफ से। But godlike, they have the stronghold of the circle and Enigma Rex को वो take down करने वाले हैं। Grenade आएगा Fierce की तरफ से, a fearful grenade coming in from Fierce and यहाँ पर होने वाले हैं Mavie knockout। Ultron की तरफ से भी grenade आएगा जो कि Punk को knockout करते हैं and इसी के साथ साथ ये जो fight है अभी एक 1v3 बन चुका है। Fierce having the UMP in his hand trying to come out big time but यहाँ पर Ultron के साथ साथ एक 1v1 में Fierce जरूर involve होने वाले हैं। Fierce comes in strong, gets another player down and इसी के साथ साथ confirm किया जाएगा Fierce, he does get one confirm but immediately Mavie हो चुके हैं revive, heal करना पड़ेगा किसी भी हाल में, हील करके आगे बढ़ना पड़ेगा। स्काउट इज बैकिंग इन, स्काउट कम से पर फिनिक्स द मैन, ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ, फिर से रीलोड करेंगे मवी आखिरी खिलाड़ी में से वे क्या यहां पर टच कर सकते हैं, जी नहीं यहां पर टेक डाउन किया जाएगा। अब टाइम आ चुका है गॉड लाइक का पोजीशंस निकालने का, तो गड़ाए बैठे हैं निग्मा रेक्स स्काईलाइट्स के ऊपर, भले ही वो हार्ड रॉक कवर के पीछे है पर सिंगल टैप निकाल जाते हैं तो जो फिनिशेस एक्सपेक्ट किए जा रहे गॉडलाइक की तरफ से वो उन्हें मिल जाएंगे। अलादीन कंफर्म हो चुके बट प्रिंस को देखिए, ही फाइंड्स अ नॉक ऑन टू वेक्सी एंड शॉट्स लिए जा रहे हैं, मोलोटोव ड्रॉप किया जाता है, ये मॉली बहुत ज्यादा एक बढ़िया पोजीशन में ड्रॉप किया गया, सारन के ऊपर शॉट्स कनेक्ट होंगे जरूर बट जीक और यहां पर प्रिंस का नॉक आउट निकाल जाते हैं। 7 सी दे आर डाउन टू अ सिंगल प्लेयर, वेक्सी को किया जाएगा फिनिश गॉड लाइक जीक और के द्वारा, ऑरेंज ड्रॉप के लिए एक बढ़िया ओपनिंग इनके है कि किसी भी हाल में 7 सी की टीम को जो है कंप्लीटली एलिमिनेट करे यार। दैट्स स्प्रे थ्रू द स्मोक, माय ओ माय, दैट रियली रियली प्लेड आउट, दी IGL from Orange Rock proving out to be the best in that moment there. But 7C Esports eliminate ho jati hai. Bohut early elimination nahi tha. But the top 5 teams is going to be coming. Asan banta aaya tha. Wo dekhiye upar kya likha hai. Jahan par Jelly ne Orange Rock ke players ne Godlike ke Z-God ko knock kiya hai. Jonathan ki gaadi par bhi achha khasa damage aa. वैसे तो यही बिल्कुल सही समय था ऑरेंज रॉक के लिए आगे जाके पाउंस ऑन करने का, जबकि इनके पास व्हीकल्स भी मौजूद है, वो भी तब जब रिवाइवल मिल जाएगा तो शायद उसका उतना ज्यादा फायदा ना भी है, बट कंपाउंड तक जाने का शायद प्लान है ही नहीं। नियो ने आकुना उसको डाउन करके फिनिशेस में थोड़ा सा और इजाफा दिया है, ऑरेंज रॉक के जेपी को यहाँ पर नॉक कर दिया जाता है क्लास गॉड के द्वारा। एंड इसी की मैं बात कर रहा था, जब नॉक किया ही था, गाड़ी भी आपके पास थी तो पाउंस ऑन करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता था। बट सेल्सियस कार्तिक आई बिलीव 13 फर्स्ट एड के साथ साथ वो हील बैटल में इन्वॉल्व अपने आप को करना चाहेंगे एंड इट्स अ स्मार्ट मूव, लाइक अभी के लिए अगर आप 2 पॉइंट्स का बफर चाहते हैं विदाउट कलेक्शन ऑफ एनी फिनिशेस आप वो हील बैटल कर सकते हैं, बट कितनी देर तक आप देखिए फर्स्ट एड को आई बिलीव थोड़ा लेट यहां पर इनिशिएट किया गया, बच तो जाएंगे इस फर्स्ट एड को यूज करने में लेकिन वो वेपन हाथ में आते ही ना थोड़ा बहुत टाइम डिले रहता है जरूर। बट क्लच गॉड को ओपन में नॉकआउट किया गया, आदित्य के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहां पर एक 1v4 निकाल के जा पाए लेकिन आसान नहीं रहेगा, ओआर जेली हो जाता है कंफर्म इन्फॉर्मेशन। खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं आदित्य के ऊपर, यहां पर जॉनथन क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे, एक आखिरी खिलाड़ी जो कि खतरा बन सकते हैं गॉडलाइक की टीम के लिए। ग्रेनेड कुक किया गया है, ड्रॉप आउट किया जाएगा, जॉनथन की तरफ से भी ग्रेनेड आएगा जरूर, आदित्य को ओपन में स्पॉट किया गया, एक परफेक्ट ग्रेनेड आता है जॉनथन की तरफ से एंड दैट्स ओआर, डाउन एंड आउट एंड जोन में ही एलिमिनेट हो जाते हैं सेल्सियस के आखिरी खिलाड़ी गॉडलाइक, दे कम इन बिग टाइम। और इसी के साथ साथ आज के दिन का पहला चिकन डिनर उनके नाम, देखिए ये एक आई थिंक बहुत सिंपल सा मैच रहा गॉडलाइक के लिए, इनके सामने रहने वाली है एंटिटी की टीम, बट क्लोजिंग के साथ साथ एंगेज करते हुए गॉडलाइक नजर आएगी। टीएसएम एक बहुत ही चैलेंजिंग फाइट अभी ले रहे हैं, नियो यहां पर इंतजार करेंगे जरूर, जी गॉड के पास इंफॉर्मेशन है लेकिन हील अवेलेबल नहीं है, इमीडिएटली फर्स्ट एड लगाते हैं यहां पर एक्सप्लोजन आएगा, चारों एक 1v1 में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे एंड निंजा वो जरूर आगे आते हैं, एक फिनिश एक किल यहां पर निकाल के जा सकते हैं पर जी नहीं, दूसरे डायरेक्शन से जी गॉड का एंड निंजा हो जाते हैं डाउन, एलिमिनेट नहीं हुए हैं, मौका रहेगा अभी। बट टीएसएम ये जो बहुत बड़ा स्प्लिट रखा गया था ना 1 और 2 का, वो स्प्लिट को क्या यहाँ पर कैपिटलाइज कर पाएंगे, जी नहीं, निंजा जॉर्ड को यहाँ पर किया गया है कंफर्म जॉनथन के द्वारा, ग्रेनेड को किया जा रहा है जॉनथन, अगर यहाँ पर शॉट कनेक्ट कर पाते बढ़िया रहेगा, जी हाँ यहाँ पर शॉट कनेक्ट किया जाएगा, प्लेयर को भी किया जाता है नॉकआउट, जॉनथन रोलिंग इन हार्ड एट दिस मोमेंट, एंटिटी शैडो यहाँ पर इनसेन रायत को नॉकआउट करेंगे, एक्सो पंक मवी को नॉकआउट करेंगे, मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में हमें फाइट नजर आ रही है। गेम 11 मिनट हुआ इस मैच में एंड बहुत सारे जगह पे फाइट हो रहा है, आई बिलीव दैट इज कर्टसी टू द सर्कल, एग्रेशन, जी हां, यहां पर होड़ है बची हुई कि कौन सबसे पहले सर्कल में पहुंचेगा और सर्कल पहुंचने की होड़ में ही जितनी भी टीम आपस में क्लैश रही तो फाइट
होती हुई नजर आ जाएगी। स्काउट भी यहाँ पर जो नॉकआउट हुए थे उनको भी कंफर्म कर दिया जाएगा। केल को भी उसी स्प्रे में यहाँ पर एक्सोफियस ऑन फायर एक के बाद एक, और अब पूरा दारोमदार यहाँ पर अल्ट्रॉन के ऊपर है। गिल शायद अपने आप को पीछे हटा सकते थे, रिस्क का सहारा ले सकते, बट अभी के लिए पंख आगे बढ़ेंगे। अल्ट्रॉन बेशक सामने से तो कवर में है यहाँ पर, लेकिन पंख के उस कवर से नहीं बच पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, पार्टी यहाँ पर देखने को मिली गॉड लाइक, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर टीएसएम के ऊपर भारी पड़ती नजर आई थी। टीएसएम के भी खिलाड़ी अगर आप देखें अभी भी जीवित है, लेकिन उनको ये नहीं पता था गॉड लाइक को एक और बार थर्ड पार्टी स्लैमिन आए।